छुटपुट घटनाओं को छोड़कर वैसे मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ स्थानों पर विवाद की स्थितियां भी बनी। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के गढ़ा बीटी तिराहे के पास हितकारिणी कन्याशाला मतदान केंद्र के पास कार्यकर्ताओं की समस्या का निदान करने पहुंचे भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अजय तिवारी पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर दिया। अजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने बिना कारण जाने और उनकी बात सुने बिना ही उन पर लाठियां बरसा दी, जिससे वे घायल हो गए। उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ी में डालकर उन्हें थाने ले जाया गया। बाद में जैसे ही यह खबर भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह, महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू, वरिष्ठ नेता कमल सोनी, पंडित दीनानाथ पाठक, संजय केशरवानी, संजय पटेल, नीरज वर्मा, देवी गुप्ता, प्रशांत तिवारी, सुनील श्रीवास्तव सहित बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी मदन महल थाने पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों से बात कर अजय तिवारी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाया। भाजपा नेता अजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बेवजह उन पर लाठियां बरसाई हैं। उनका कहना था कि सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसकी जांच की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित रहे। हमारे कार्यकर्ता का एक फोन आया कि पुलिस बदतमीजी से बात कर रही कार्यकर्ताओं से, धक्का मुक्की कर रही है। हम आए हैं, मैंने आके पूछा उनसे, एडिशनल एसपी साहब से, भाई साहब क्या बात हो गई? कहले तू कौन है, चल पड़े इधर से। मैंने कहा भाई साहब अच्छे से तो बात करो आप। और बस वो शुरू हो गए भाई, कम से कम 50 लट्ट मारे मेरे को, 50 लट्ट। सबकी रिकॉर्डिंग है, एक शब्द मैंने अशब्द नहीं बोला, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। साहब बोल रहे हैं ना कि मैंने बदतमीजी की, उसकी कैमरा लगे हैं, देख लिए जाएँ। उसने पता नहीं किसी ने इशारा करके उनको भेजा, किन के इशारे पे आए, और उस चक्कर में मतदाता भी बेचारी, जो महिलाएं थी जो वोट करने वाली थी, वो भी भग गई। मतलब इतना उतने आतंक मचाया, मतदाता भी भग गया। तो कैसे चुनाव प्रभावित हुआ उधर का? चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे? बिल्कुल, पूरी शिकायत की जाएगी, रिकॉर्डिंग सहित पूरी कार्रवाई। भाई चुनाव उसमें प्रभावित हुआ ना, महिलाएं भग गई हमारी, वोटर भग गए हमारे। सांसद जी को मालूम है कि यहाँ पे पुलिस वालों ने अवस्था की है? हाँ, उन तक खबर पहुँच गई है, लेकिन अभी कोई कार्यकर्ता को डिस्टर्ब इसलिए नहीं कर रहे, सब अपने अपने स्थान में लगे रहे, है ना। कोई कार्यकर्ता को कहीं से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। ये तो अब लगा रहता हो गई, अब जो कार्रवाई होना हम लोग भी करेंगे, उन्होंने तो कर दी, अपने जो करना रहा। लेकिन कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध, भैया अपने अपने जगह जाएं। लगता है कि वोटिंग फर्क आएगा? हाँ, थोड़ा प्रभावित तो ही भाई, भग गए वोटर हमारे, कुछ परसेंट वोटर हमारे भगे उधर से, और भगने की भी उधर पर रिकॉर्डिंग है। कोई हम झूठ बोल रहे हैं? मतलब लोग भगे, भगदड़ मची, लाठी चार्ज कर दिया भाई उन्होंने तो 5 मिनट के लिए, और हाथ फ्रैक्चर हो गया हमारा।